मलबे में दब गए हैं। हादसे में चार लोगों की मौत की खबर मिल रही है, जबकि रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाकी दो लोगों को मलबे से निकाल लिया गया है। उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देहरादून से ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, दो लोग यहाँ पर बचाए गए हैं। देहरादून से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मलबे में दबने से चार लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून में दर्दनाक हादसा यहां पर हो गया। गर्भवती महिला सहित चार लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है, हालांकि दो लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। जी हां, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं देहरादून के चिक्कू मोहल्ला की, जहां पर पुस्ता ढहने से यहाँ पर एक मकान के ऊपर ये पूरा पुस्ता गिरा और ये देख सकते हैं तहस नहस पूरी तस्वीर। रात से ही लगातार रेस्क्यू अभियान यहाँ पर चलाया गया और दर्दनाक चार लोगों की गर्भवती महिला सहित मौत हो चुकी है, दो लोगों का इलाज यहाँ पर चल रहा है। रात से ही रेस्क्यू अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों का लगातार ये कहना है कि इस पुस्ते को लेकर के कई बार उन्होंने शिकायत यहाँ पर की, जिलाधिकारी के पास हो गए, तमाम लोगों के पास हो गए, लेकिन तब भी यहाँ पर शुद्ध नहीं ली गई, सिस्टम में यहाँ पर खामी रही। और ये खामी कहाँ पर नजर आती है? आज दर्दनाक हादसा हो गया, सब लोग यहाँ पर मौजूद है, दुखदायी हादसा, लेकिन उसके बाद सभी लोग आते, उससे पहले क्या तंत्र सोया रहता है? बिल्कुल, तंत्र बिल्कुल सोया रहा, बार बार तंत्र को जगाने की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों के द्वारा जो है सरकार और प्रशासन को अवगत कराया गया कि ये बहुत डेंजर जोन में पुस्ता बनाया जा रहा है। पुस्ते के बाद जो है ये पूरी ढलान पे पुस्ता बनाया गया और उसके बाद इसमें मट्टी भरी गई। आप देख लीजिए सामने मट्टी की, देख ली अभी तक उसकी मतलब पक्की पकावट नहीं हुई है। देखिए पुस्ता किस प्रकार से गिरा के खाली प्लॉटिंग करने के लिहाज से, पैसा कमाने के लिहाज से इसको यहाँ पर बनाया गया। लगातार शिकायत कर रहे थे कि पुस्ता ढह सकता है, हम लोगों की जान को खतरा है। और जहां पर इंडिया न्यूज आपको जिस मकान पर खड़े होकर बात कर रहा है, इनके मकान की हालत भी खराब है। यहां के कमरों में भी दरार कह सकते हैं कि दरार यहां पर पड़ चुकी है, इनकी दीवार यहां पर खराब हो चुकी है। रतन नेगी, इंडिया न्यूज, देहरादून।